दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है। सबसे पहले आज के दिन के टाटा मोटर्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। आज के दिन अगेन टाटा मोटर्स ने अपने नए 52 वीक के हाई को टच किया है। अगर इसकी क्लोजिंग की बात करें तो 511 रुपए पर हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन आज के हाई की बात करें तो 514 रुपए का हाई आज के दिन टाटा मोटर्स ने बनाया है, यानी कि 52 वीक का नया हाई आज के दिन हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिला है। कल के दिन कंपनी अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स को डिक्लेयर करने वाली है। नंबर 6 से ही निकल कर आ जाएंगे, सबसे पहले आपको हमारे चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। लेकिन नंबर्स के पहले टाटा मोटर्स को लेकर जानी मानी ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से जो प्रीव्यू थे रिजल्ट के, वो यहां पर निकल कर आ चुके हैं। लेकिन उसके पहले टाटा मोटर्स के क्वार्टर 3 के नंबर्स की अगर बात करें तो क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स इस बार नंबर बहुत अच्छे प्रेजेंट करने वाली है, और उसको आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल के सॉफ्टवेयर को यूज करके। यहाँ पर आप टाटा मोटर्स के टेक्निकल्स को भी यहाँ पर पता लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको वेरियस रेजिस्टेंस और साथ ही साथ यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ में अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट को भी कंपेयर करना चाहते हैं तो यहां पर आप क्वार्टरली रिजल्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें, यानी कि क्वार्टर 3 की, जहां पर कंपनी ने 88,000 करोड़ रुपीस की सेल्स डिक्लेयर करी थी, और उसके सामने कंपनी ने प्रॉफिट की बात करें तो 2939 यानी कि 2,939 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया था। और इस बार एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि क्वार्टर 4 में कंपनी 3,000 करोड़ के अबव प्रॉफिट यहां पर दिखा सकती है। तो ओवरऑल आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का, यानी कि ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल का प्रीमियम वर्जन पे 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप बाजार की खबर ऑफिशियल फैमिली मेंबर से, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आपको 20% का कूपन कोड भी देखने को मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी साइन अप कर सकते हैं। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो टाटा मोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें काफी स्ट्रांग देखने को मिलती है। पर अगर टाटा मोटर्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के प्रीव्यू की बात करें तो आज के दिन ये नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें टाटा मोटर्स इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट हेल्दी नंबर्स फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च ऑन फ्राइडे। तो यहां पर मार्जिन एक्सपांशन अक्रॉस डिवीजन अलोंग स्ट्रांग इंडिया एंड JLR बिजनेस, यानी कि टाटा मोटर्स के सभी सेगमेंट में ग्रोथ काफी अच्छी एक्सपेक्ट करी जा रही है। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अ नेट प्रॉफिट एनीवेयर बिटवीन 3,100 करोड़ टू 3,204 करोड़, यानी कि 3100 करोड़ से लेकर 3200 करोड़ के बीच में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और कंपनी जो एस्टिमेट था वो यहां पर बीट कर सकती है। द मुंबई बेस्ड ऑटो मेजर हैड पोस्टेड अ लॉस ऑफ रुपीज 1,032 करोड़ इन द ईयर एगो क्वार्टर, यानी कि लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 की बात करें, जहां पर कंपनी ने 1,032 करोड़ रुपए का लॉस डिक्लेयर किया था। और अब कंपनी अपने लॉस को तो रिकवर करेगी, लेकिन साथ ही साथ लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बनाकर दिखाएगी। तो ओवरऑल न्यूज काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके चलते कल के दिन टाटा मोटर्स के अंदर हमें काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो टाटा मोटर्स के क्वार्टर 4 के अंदर 3% के वॉल्यूम ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकती है। और इनके जो इनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, वहां पर भी काफी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर JLR की वॉल्यूम्स की बात करें तो यहां पर अगर बात करें तो 24% की जंप हमें यहां पर JLR की वॉल्यूम्स ग्रोथ में भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे आने के एक्सपेक्टेशन है। तो यदि आपने टाटा मोटर्स के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।